हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल टिप्स आज हम फ्लूड मैकेनिक्स का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है उसको अपलोड कर दिया अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा उसको उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के भी क्वेश्चन सीरीज हमने अपलोड कर दी है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए वो आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम के लिए आज हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करें फ्लूड मैकेनिक्स का इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे आज और क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा मैं आपको ध्यान से देखना है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना है ताकि आपको और भी अपडेट मिल सके हम कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए बहुत सारे वीडियो बनाएंगे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल फर्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा मैं थोड़ा जूम कर दूँ आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इफ़ द वेलासिटी प्रेशर डेंसिटी एक्सेट्रा डू नॉट चेंज एट अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम द फ्लो इज कॉल्ड ए यूनिफॉर्म बी नॉन यूनिफॉर्म सी इनकम्प्रेसिबल डी स्टडी डी डी ए जे ई दो हज़ार अठारह के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आरपीएससी वाइस प्रिंसिपल आई टी आई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है कि अगर जो फ्लूड की प्रॉपर्टी है वेलोसिटी प्रेशर डेंसिटी डू नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम टाइम के साथ अगर वेलोसिटी प्रेशर एंड डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है तो उसको हम किस टर्म से डिफाइन करेंगे तो वो जो फ्लो होगा उसे हम स्टडी फ्लो बोलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे स्टडी फ्लो तो इसका आंसर जो होगा वो स्टडी फ्लो होता है और अगर वो टाइम के साथ अगर चेंज होते हैं मतलब चेंज एट अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर टाइम के साथ वो चेंज होते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं उस टर्म को हम बोलते हैं अनस्टडी फ्लो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अ सिंपल पिटो ट्यूब इज यूज टू मेजर ई प्रेशर एट स्टडी फ्लो फिलसिटी इन फ्लोइंग स्ट्रिंग सी टोटल प्रेशर डी डायनेमिक प्रेशर इसका जो आंसर होगा वो भी होगा वेलोसिटी इन अ फ्लोइंग स्ट्रीम मीन्स जो पिटोर ट्यूब जो होती है वो वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए यूनिट है तो पिटोर ट्यूब जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं तो इन चारों में से ऑप्शन जो वेलोसिटी का जो एक ही ऑप्शन है वेलोसिटी इन अ फ्लोइंग फ्लूड इसका जो फॉर्मला होता है वेलोसिटी का वे इक्वल टू रू रू रो जी एच ये इसका फॉर्मुला होता है और सी वी जो होता है इसमें कॉन्स्टेंट फैक्टर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे द फ्लूड फोर्स कंसिडर इन द नेवियर इस्टॉक्स इक्वेशंस आर ए ग्रेविटी प्रेशर एंड विस्कस बी ग्रेविटी प्रेशर एंड ट्रबुलेंस सी प्रेशर विस्कस एंड ट्रबुलेंस डी ग्रेविटी विस्कस एंड ट्रबुलेंस द फ्लूड फोर्स कंसिडर इन द नेवियर इस्टॉक्स जो नेवियर स्टोक्स का जो प्रिंसिपल है उसकी जो इक्वेशंस है उसके अंदर उसने किन किन फोर्सों को कंसिडर किया है वो इसमें पूछ रहा है इसने जो है वो ग्रेविटी प्रेशर और विस्कस फोर्स को कंसिडर किया है इसका आंसर जो होगा वो होगा डायरेक्ट आंसर है जो नेवियर स्टॉक्स जो प्रिंसिपल है उसने जो इक्वेशंस दी है उसने इन तीन फोर्सेस को कंसीडर किया है और अपनी इक्वेशन बनाई है इसी प्रकार बहुत सारे जो ब्लॉग हैं उन्होंने अपने अपने प्रिंसिपल दिए जैसे स्टॉक्स है नेवियर स्टॉक्स है इलर्स है न्यूटन है और बहुत सारे हैं हमने इस हमारे अंदर भी स्टॉक का पूछा है तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे द थ्योरिटिकल वेलोसिटी ऑफ जेट एट वेटा कॉन्ट्रैक्ट्रा इज थियोरिटिकल वेलोसिटी ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रेक्ट्रा पूछा इसने तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला जो होगा वो सी है कि वेलोसिटी इक्वल टू रूट टू जी एच पंजाब जेई दो हज़ार चौदह के अंदर आया वो क्वेश्चन ने डायरेक्ट फॉमूला पूछा इसने कि थ्योरटिकल वेलोसिटी ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रेक्ट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एच पी एच सी दो हज़ार चौदह और पप, पंजाब जेई दो हज़ार चौदह में आया हुआ क्वेश्चन है इन अ फ्री वर्टेक्स वेलोसिटी डिक्रीज विद रेडियस इंक्रीज विद रेडियस इज कॉन्स्टेंट और नन ऑफ अबोव अगर जो फ्लो है वो फ्री वर्टेक्स फ्लो है तो वेलोसिटी जो है वो रेडियस के साथ किस प्रकार से चेंज होगी ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो अगर आपको फॉर्मूला है वो मैं आपको बता दूँ कि जो फ्री वर्टेक्स है उसमें जो है मोमेंटम की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी क्योंकि फोर्सेस को अप्लाई नहीं किया है फ्री वर्टेक्स है बिना फोर्स के वो सर्कुलेट कर रहा है फ्लूड ऑफ एम वी आर इक्वल टू जीरो मीन्स इनसे आप देख सकते हैं कि वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर मीन्स अगर आर की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो वेलाउसिटी जो है वो डिक्रीज होगी तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा मीन्स वेलाउसिटी विथ रेडियस इन अ फ्री वर्टेक्स पेलाउसिटी डिक्रीज विथ रेडियस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के वहाँ पर चैट कर सकते हैं हम आपको अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को समझा दिया जाएगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे अगर आपको इस टॉपिक के अलावा कोई टॉपिक अगर आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हम उनके आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी ताकि आपको हेल्प मिल सके चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिल सके और आपको इसी प्रकार क्वेश्चन हम कराते रहे एक क्वेश्चन है आपके पास दिख रहा है कि जो एन एवरेज वैल्यू ऑफ कॉफिशेंट ऑफ वेलाउसिटी सी वी इज सी वी की जो वैल्यू होती है कॉफिशेंट ऑफ वेलाउसिटी की उसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली पॉइंट नाइन एट टू पॉइंट नाइन नाइन होती है मतलब जो सी वी की वैल्यू जो होती है पॉइंट नाइन एट टू जीरो पॉइंट नाइन नाइन की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है तो इसकी रेंज जो है वो डी ऑप्शन में दिख रही है तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ईच टर्म्स इन बर्नूली इक्वेशन रिप्रेजेंट कोल इंडिया दो हज़ार सत्रह में और पी एम बी पंजाब के म्यूनसिपल बोर्ड में जे ई में दो हज़ार अठारह में आया हुआ क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में क्योंकि ये बर्नूली इक्वेशन है वो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है बर्नोली इक्वेशन जो है वो इलर्स के मेथड से आती है इलर्स के फॉर्मुले से आती है और जो इलर्स की इक्वेशन होती है उसको हम बाय वेट बर्नोली की इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर जो होगा वो डी आंसर है मैं आपको इक्वेशन लिख के बता दूँ कि जो इस बर्नोली की इक्वेशन जो होती है पी प्रेशर डेंसिटी और जी जो है वो ग्रेविटी है वी द वेलोसिटी टू इंटू जी जो है वगैरह ग्रेविटी है जेड डेटम एनर्जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये जो होती है बर्नोली इक्वेशंस है इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए Constant. तो इस इक्वेशन से पता चलता है कि सीधा जो एनर्जी जो होती है पर यूनिट वेट की टर्म्स में बनोली डिफाइन करता है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बोडास पीस इज आल्सो नोन एज ए कन्वर्जेंट बी सिलेंड्रिकल डी डाइवर्जेंट और डी री एंट्रेंट ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो बोडा माउथ जो होता है उसको हम किस नाम से और डिफाइन कर सकते हैं तो उसका जो आंसर है वो री एंट्रेंट री एंट्रेंट के नाम से भी डिफाइन करता है बोडाज माउथफिश जो है उसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रेनॉल्ड्स नंबर इज रेशियो ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ ए इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स बी इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स सी इलास्टिक फोर्स एंड विस्कस फोर्स डी ग्रेविटी फोर्स एंड प्रेशर फोर्स हरियाणा जी दो हज़ार सत्रह में आया हुआ क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है कि जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है उसका रेशो जो होता है उसका रेशो मैं आपको बता दूं कि उसका रेशो जो होता है वो इनर्सिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स होता है इनर्सिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स होता है और जो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला का रूविडी रू अपॉन म्यू मी जो है वो डायनामिक विस्कोसिटी है ये जो इसका फॉर्मूला होता है रेनॉल्ड्स नंबर का डायरेक्ट फॉर्मूला है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर टेक प्लेस वैन द प्रेशर ग्रेडियंट इज़ नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कॉन्स्टेंट एच पी एस सी दो हज़ार चौदह में आया हुआ क्वेश्चन है बर्नोली लेयर का क्वेश्चन है कि जो सेपरेशन ऑफ बर्नोली लेयर है टेक प्लेस वैन द प्रेशर ग्रेडियंट इज़ पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट इज़ पॉजिटिव डी पी पी इज द प्रेसर इज ग्रेटर देन जीरो कंडीशन होती है फ्लो सेपरेस की नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रॉड्स नंबर ऑफ टू इंडिकेट अ वीक जॉइंट वीक जम्प बी मीडियम जम्प सी स्ट्रॉन्ग जम्प डी वेरी स्ट्रांग जम्प जो फ्रॉड नंबर है अगर हमको दो दे रखा है फ्रॉड्स नंबर की वैल्यू जो दे रखी है टू दे रखी है मीन्स फ्रॉड नंबर की जो वैल्यू जो होती है वो टू दे रखी है तो ए बी सी डी में से वो जंप किस नाम से डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास वीक जंप है मीडियम जंप है स्ट्रॉन्ग जंप है और वेरी स्ट्रॉन्ग जंप है इसका जो एक टेबल बना रखी है उसके अंदर से डायरेक्टली हम इसका आंसर बता सकते हैं कि जो फ्रॉड नंबर की जो वैल्यू होती है एफ आर वन टू वन पॉइंट सेवन वन पॉइंट सेवन टू टू पॉइंट फाइव टू टू फोर और 4.5 टू 9 और ग्रेटर देन 9 ये फ्रॉड की वैल्यू होती है कि अगर हमको जंप की वैल्यू से 1, .7, 1 .7 से लाकर 1.7 1.7 से लाकर 2.5 2.5 फाइव टू 4.5 फाइव टू फोर पॉइंट टू नाइन और ग्रेटर देन 9 दे रखिए तो उन जंप को हम किस नाम से डिफाइन करेंगे तो पहली की जो कंडीशन है उसे हम बोलेंगे एंडुलर जम देखेंगे आप ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ कि अंडुलर अन, जंप बोलेंगे हम इसको और अगर फ्रॉड की वैल्यू 1.7 टू तो 2.5 है तो उस जंप को हम बोलेंगे वीक जंप इसका आंसर जो है वो वीक है इस क्वेश्चन में क्योंकि हमको फ्रॉड की वैल्यू दे रखी है टू दे रखी है फ्रॉड की वैल्यू हमको क्या दे रखी है टू दे रखी है जो इस रेंज में आएगी और इस रेंज में हम वीक जंप बोल सकते हैं तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा मैं आपको ये टेबल पूरी बता देता हूँ कि टू पॉइंट फाइव चला अगर फोर पॉइंट फाइव अगर वैल्यू दे रखी है तो उस जंप को हम बोलेंगे ऑसिलेटिंग जम बोलेंगे ऑसिलेटिंग जंप बोलेंगे ऑसिलेटिंग जंप बोलेंगे अगर फोर पॉइंट फाइव टू नाइन दे रखी है वैल्यू तो उस जंप को हम बोलेंगे स्टली जंप बोलेंगे और अगर ग्रेटर देन नाइन वैल्यू दे रखी है तो वो जो जंप होगा वो स्ट्रांग जंप होगा स्ट्रांग जंप होगा ठीक है हो ये टेबल है स्टेबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको फ्रॉड की वैल्यू दे रखी है तो वो जंप किस प्रकार से जंप कहलाएगा अंडूर जंप कहलाएगा वीक जंप कहलाएगा ऑसिलेटिंग जंप कहलाएगा स्टडी जंप कहलाएगा और स्ट्रॉन्ग जंप कहलाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एट लोकेशन फर्स्ट जो ये लोकेशन है ये जो लोकेशन वो फर्स्ट है और ये जो लोकेशन वो सेकंड लोकेशन दे रखी है At location लोकेशन फर्स्ट ऑफ अ layer horizontal लाइन द फ्रूड प्रेशर हेड इज 32 टू सेंटीमीटर एंड वेलासिटी हेड इज फोर सेंटीमीटर द रिडक्शन इन एरिया एट लोकेशन सेकेंड इन सच देट द प्रेशर ड्रॉप डाउन टू जीरो तो उसने पूछा है कि द रेशियो ऑफ velocity एट लोकेशन सेकंड टू that एट लोकेशन फर्स्ट चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको इन चार ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है बर्डुलिस की इक्वेशन से सॉल्व होगा ये क्वेश्चंस। तो बर्नोली की इक्वेशन जो होगी वो ए पॉइंट के लिए और सेकंड पॉइंट के लिए हम लिखेंगे कि जो पी वन अपॉन रो जी प्लस बी वन स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड डेटम की वैल्यू तो यहाँ पर जीरो दे रखी है तो हम इसको जीरो डिफाइन करेंगे अभी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड डेटम एनर्जी जो है वो सेम ही है तो जेड से जेड रिमूव हो जाएगा क्वेश्चंस में आप गिवन क्या हम देखेंगे तो एट लोकेशन फर्स्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर द फ्लूड प्रेशर हेड प्रेशर हेड की वैल्यू दे रखी है ए पॉइंट पे तो कितनी दे रखी है थर्टी टू सेंटीमीटर प्लस इज थर्टी टू एंड वेलोसिटी हेड इज फोर सेंटीमीटर वेलोसिटी हेड जो दे रखा है वो फोर दे रखा है और फिर उसने बोला है कि द रिडक्शन इन द एरिया एट लोकेशन सेकंड इ सच डेट प्रेशर हेड ड्रॉप डाउन टू ज़ीरो जो प्रेशर हेड जो होता है वो ज़ीरो पे हो जाता है तो हम इन फॉमूले में वैल्यू रखेंगे सारी तो जो प्रेशर हेड जो होगा वो सेकेंड पॉइंट पे ज़ीरो हो जाता है तो वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी की वैल्यू हम निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वी टू स्क्वायर अपन टू जी इक्वल टू थर्टी सिक्स आ जाएगी हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी थर्टी सिक्स आ जाएगी अब इसने पूछा क्या आंसर क्या पूछा है द ऑफ वेलासिटी एट लोकेशन सेकंड टू डेट एट लोकेशन फर्स्ट तो इसका सिंपल रेशो निकालना है लोकेशन सेकंड पर हमने वेलासिटी निकाल दी है तो वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी अपॉन लोकेशन फर्स्ट वी वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी इक्वल टू थर्टी सिक्स डिवाइड बाय ए पॉइंट पर फोर दे रखा है तो हम इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू नाइन तो रेशो ऑफ़ सेकेंड पॉइंट टू फर्स्ट पॉइंट कितना जाएगा नाइन तो इसका ऑप्शन में आंसर होगा सॉरी ये नाइन इसका रूट निकालेंगे हम वेलोसिटी का रेशो पूछा इसने तो टू जी से टू जी रिमूव हो जाएगा तो वी टू स्क्वायर अपॉन वी वन स्क्वायर तो हम रेशो निकालेंगे कि वी टू अपॉन वी वन इक्वल टू रूट ऑफ नाइन मीन्स थ्री तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो थ्री हो जाएगा इसका आंसर ए क्योंकि वेलोसिटी का रेशो पूछा वेलोसिटी हेड का रेशो नहीं पूछा अगर वेलोसिटी हेड का कुछ रेशो पूछा होता तो हम आंसर सेवन नाइन कर देते लेकिन इसमें वेलासिटी पूछिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे द दे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ अ विटर फोर अ डिचार्ज इज ट्वेल्व मीटर क्यूब पर सेकेंड इज नियरली चार ऑप्शन दे रखे हैं इसने पूछा है कि जो क्रिटिकल डेप्थ है रेक्टेंगुलर चैनल के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो अगर आपको क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला पता है कि जो क्रिटिकल डेप्थ होती है वाई सी क्रिटिकल डेप्थ इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन जी डीज द जी इज द ग्रेविटी वन बाय थ्री वन बाय थ्री सारी वैल्यूज रखेंगे क्यू यहाँ पर जो जी जो यहाँ पर है वो ग्रेविटी है और क्यू जो है डिचार्ज पर विर्थ है डिचार्ज पर विथ है तो वैल्यू दे रखिए डिचार्ज की और विध की भी वैल्यू दे रखिए डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे अपन वैल्यू तो वाई सी इक्वल वाई सी इक्वल टू ट्वेल्व बाय का स्क्वायर डिचार्ज पर विथ और जी की वैल्यू जो है वो नाइन पॉइंट एट वन रखेंगे हम और इसका जो है वो वन थर्ड निकालेंगे वन थर्ड इसका निकालेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वाई सी का आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो होगा पॉइंट नाइन के समथिंग आएगा तो इसका आंसर हम देखेंगे जीरो पॉइंट नाइन सेवन टू मीटर आएगा इसका आंसर अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा आप देख लेना मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख के बता दिया आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसने जो है वो यूनिट पूछी है कि जो डायमेंशन ऑफ चेजिस कांस्टेंट जो चेजिस कांस्टेंट है चेजिस कांस्टेंट को हम सी से डिफाइन करते हैं तो जो, जो सी होता है उसकी जो यूनिट होती है वो कौन सी यूनिट होगी इन चार ऑप्शन में से तो इसका यूनिट है मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको कि जो वेलोसिटी इक्वल टू होता है सी इज़ द चेंज कॉन्स्टेंट रूट ओवर आर एस एस जो है यहाँ पे स्लोप है एस जो क्या पर यहाँ पे स्लोप है और ये जो है वो हाइड्रोलिक मीन रेडियस है हाइड्रोलिक मीन रेडियस है ठीक है इसकी यूनिट निकालेंगे हम तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड इससे होती है तो मीटर पर सेकेंड को हम एम एल टी की टर्म्स में हम देखेंगे तो इसकी यूनिट हो जाएगी एल टी इनवर्स वन इक्वल टू सी सी इज द कॉन्स्टेंट इन टू रूट आर की यूनिट हो जाएगी वो हाइड्रोलिक मीन रेडियस जो होता है वो ए बाय पी होता है ए बाय पी होता है हाइड्रोलिक मीन रेडियस जो होता है वो आर इक्वल टू ए बाय पी ए इज द एरिया एंड पी इज द वेटेड पैरामीटर एरिया के यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर और पैरामीटर की यूनिट होगी मीटर और मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर इक्वल टू मीटर मीटर मीन्स एल तो जो आर की यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी एल हो जाएगी इनटू स्लोप की यूनिट तो वन ही होती है इसको सॉल्व करेंगे हम एल टी इन्वर्स वन इक्वल टू सी इंटू एल वन बाय टू तो यहाँ से हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो जो सी की वैल्यू हो जाएगी उसमें बी सी <aparecer> की वैल्यू जो आ जाएगी वो सॉरी सी आ जाएगी एल वन बाय टू डी माइनस वन ठीक है यही आएगी आप इसको सॉल्व करेंगे तो देख लेना ये एल वन माइनस वन बाय टू टी इनवर्स वन इक्वल टू सी तो इसका सॉल्व करेंगे था तो हम एल वन बाय टू और टी इनवर्स वन इक्वल टू सी इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा इसका आंसर सी इसका आंसर आर द फोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लोड स्टेटिक्स वॉट आर द फोर्सेज डेट इन्फ्लुएंस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लूड स्टेटिक्स इसका जो आंसर जो होगा वो बी इसका आंसर होगा प्रेशर और डिस्कस प्रेशर और ग्रेविटी प्रेशर और ग्रेविटी कैसे होगा कि अगर जो फ्लूड है वो स्टेटिक कंडीशन में अगर है अगर वो मोशन कर रहा होता ठीक है अगर वो मोशन कर रहा होगा तो उसमें विस्कॉसिटी फिस्कस फिक्सन वगैरह आते लेकिन वो स्टेटिक कंडीशन में है तो हमेशा उस पर ग्रेविटी और विस्कस